आज हम करते हैं सिक्स पॉइंट टू की फर्स्ट थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम जिसके अकॉर्डिंग इफ फाइव एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट हैविंग ऑर्डर डेरीवेटिव इन ए रीजन बाउंडेड बाई क्लोज सरफेस एस कि फाइ और साई आपको दो स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखे हैं और दोनों के सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव कॉन्टीन्यूस हैं एक रीजन वी में और ये वी रीजन है वो कैसे बन रहा है जो क्लोज सरफेस एस से बाउंडेड है तो अकॉर्डिंग टू ग्रींस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाइ डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाइ ओवर वॉल्यूम वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाइ डेल साई माइनस साई डेल फाइ डॉट एन कैप ओवर सरफेस एस ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है तो इसका प्रूफ हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके करेंगे तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओवर वॉल्यूम वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ ओवर सरफेस एस ये चीज प्रूव करने के लिए इसके अंदर हम पुट कर देते हैं इस फंक्शन एफ की जगह फाइ डेल साई मतलब फाई इंटू में ग्रेडियंट ऑफ साई तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ एफ हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू ग्रेडियंट ऑफ साई ये हो जाएगा पहले फाई एज इट इज डेल की डॉट प्रोडक्ट विद डेल साई प्लस इसके बाद में डेल साई एज इट इज और इसकी डॉट प्रोडक्ट विद डेल फाई ये आ जाएगा क्यों क्योंकि हमें पता है फाई एक स्केलर क्वांटिटी है और डेल साई ये क्या आएगी ग्रेडियंट ऑफ कोई भी स्केलर फंक्शन हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है और ये भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर के साथ स्केलर पहले एज इट इज वेक्टर के साथ में इसकी तो क्या निकलेगी डॉट प्रोडक्ट ही निकलेगी प्लस फिर डेल साई एज इट इज और फिर डॉट प्रोडक्ट और फाइव बचेगा फाइव का हमेशा क्या निकलता है ग्रेडियंट मतलब स्केलर का हमेशा ग्रेडियंट ये वैल्यू आ जाएगी तो आ जाएगी डेल के डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है डेल स्क्वायर तो डेल स्क्वायर साई बचेगा प्लस डेल साई इनटू में डेल फाइव तो हमने ग्रेडियंट सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ एफ भी निकाल लिया अब हमें चाहिए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ मीन एफ वेक्टर डॉट एन कैप एफ वेक्टर हमने लिया फाइव डेल साई डॉट एन कैप ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम वन वॉल्यूम इंटीग्रल स्टार्ट यहाँ पे रखनी है वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ एफ की डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू निकाल ली हमने फाइव डेल स्केयर साई प्लस डेल साई डॉट डेल फाइव डी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू आएगी फाई डेल साई डॉट एन कैप डीएस अब इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं वन इस इक्वेशन सॉरी टू दे देते हैं वन तो हमने ऑलरेडी एज्यूम कर ली इसके अंदर हम इंटरचेंज कर देते हैं इंटरचेंजिंग फाइ एंड साई फाइ और साई को इंटरचेंज कर देंगे तो ये इंटीग्रल बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई की जगह साई रखेंगे और साई की जगह फाई तो बन जाएगा डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई डीवी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ साई डेल फाई डॉट एन कैप डी एस जो भी थर्ड अब इक्वेशन टू और थ्री को हम कर देते हैं सबट्रैक्ट 2 और 3 को सबट्रैक्ट करेंगे ये दोनों तो सेम ही हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट में ये कैंसल आउट तो इसमें से ये सब्ट्रैक्शन किया हुआ बचेगा तो बचेगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाइ डेल साई माइनस साई डेल ओवर वॉल्यूम वी इज इक्वल टू यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन कैप डी एस कॉमन आ जाएगा बचेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाइ डेल साई माइनस साई डेल फाइ डॉट एन कैप डी एस ये आपका प्रूफ हो गया थ्योरम का ये रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट थ्योरम है बाय स्टेटमेंट भी आ सकती है और डायरेक्ट भी आ सकती proof, theorem. Theorem है स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताती है जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी वो रिलेशन बताती थी सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में वैसे स्टोक्स थ्योरम रिलेशन बताती है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ टेकन अराउंड ए सिंपल क्लोज कर्व सी कि किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग जो फंक्शन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा मीन एफ डॉट डी आर इसका लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू इक्वल होगा द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ मीन कर्ल ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप टेकन ओवर सरफेस एस हैविंग सी इट्स बाउंड्री और इस एस सरफेस की बाउंड्री से जो कर्व बनेगी वो कर्व है सी तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वेक्टर फंक्शन एफ का इस सी क्लोज कर्व के अराउंड वो इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ ओवर सरफेस एस वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ सरफेस एस तो ये है स्टोक्स थ्योरम के लिए रिजल्ट एक रिजल्ट और है जिसे हम कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ थ्योरम इन स्पेस फंक्शन हम एज़्यूम कर लेंगे f1i कैप f2 j कैप f3 k कैप और जहां r होता है xi कैप y j कैप z k कैप मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट xy z dr आ जाएगा dx i कैप dy j कैप dz k कैप और ये वैल्यूज जब हम यहां पुट करेंगे तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होगी स्पेस के अंदर वो ये बन जाएगी तो ये एक रिजल्ट है इसका हम प्रूफ करेंगे तो एक बार ये इसका रिजल्ट देख लो आप और उसके बाद में इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे आई ये चीज़ तो ये तो होगी कार्टीजियन फॉर्म और ये हो जाएगी आपकी सिंपल जो आप यूज करेंगे वो फॉर्म करते हैं प्रूफ ऑफ कार्टीजियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन स्पेस इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि एफ कोई हमने वेक्टर फंक्शन लिया है जो इक्वल है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप और एन कैप है वो आउटवर्ड नॉर्मल है एस सरफेस के ऊपर जो एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा इसलिए एन कैप हो जाएगा की स्टेटमेंट की थी हमने उसके अंदर हमें चाहिएगा एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक चाहिएगा हमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल लाइफ तो कर्ल लाइफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले निकालते हैं कर्ल लाइफ मतलब डेल क्रॉस एफ इसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप डेल कर्ल अपोन में कर्ल एक्स कर्ल अपोन में कर्ल वाई कर्ल अपोन में जेड और एफ कंपोनेंट है एफ वन एफ टू एफ थ्री इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी कर्ल एफ थ्री अपॉन में कर्ल वाई माइनस कर्ल एफ टू अपॉन में कर्ल जेड आई कैप फिर कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स ऑफ एफ थ्री माइनस कर्ल अपॉन में कर्ल जेड ऑफ एफ वन और बाहर भी एक माइनस वो बाहर वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी कर्ल एफ वन अपोन में कर्ल जेड माइनस कर्ल एफ थ्री अपोन में कर्ल एक्स जे कैप प्लस कर्ल एफ टू अपोन में कर्ल एक्स माइनस कर्ल एफ वन में कर्ल वाई के कैप अब इस कर लाइफ का नॉर्मल कंपोनेंट निकालते हैं कर लाइफ का नॉर्मल कम्पोनेंट मीन लाइफ डॉट प्रोडक्ट एन कैप ये वैल्यू आ जाएगी एन कैप और कर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी कर्ल एफ थ्री अपोन में कर्ल वाई माइनस कर्ल एफ टू अपोन में कर्लड को अल्फा प्लस कर्ल एफ वन अपोन में कर्लड माइनस कर लफ्ट थ्री अपोन में कर्ल एक्स <k retir>

तो यहाँ से हम निकालते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब फंक्शन का एफ डॉट डी आर जो एफ हमने फंक्शन लिया है उसके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे डी आर के साथ में तो वैल्यू आ जाएगी एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड ये टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू और ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल लाइफ की वैल्यू जब हम स्टोक्स थ्योरम के जो रिजल्ट था उसमें पुट करेंगे तो हमें कार्टीजन फॉर्म मिल जाएगी स्टोक्स थ्योरम की स्पेस के अंदर तो ये है कार्टिजन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन स्पेस तो ये आप कर लेना इसका प्रूफ आना चाहिए सभी को